दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपने सामान्य पोल्ट्री फार्म के बारे में तो सुना ही होगा, मगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सामान्य पोल्ट्री फार्म और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में क्या अंतर होता है, दोनों में बेनिफिट किस में ज्यादा है, आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में क्या खर्चा आता है, किस प्रकार से किया जाता है, आपको बेनिफिट किस प्रकार से होता है और कितना बेनिफिट होता है, आज डिटेल्स में जाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार, आप देख रहे हैं टू देसी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग को। देखिए दोस्तों, सामान्य पोल्ट्री फार्म होता है उसमें आप अपना शेड बनाते हैं और मार्केट से मुर्गी के बच्चे खरीद कर आपको उसमें पालने होते हैं, और साथ में जो उसका फीड होता है वो भी आपको खुद खरीदना होता है, हो सकता है कि आप उसको अपने घर पर भी बना लें। जो सामान्य पोल्ट्री फार्म होता है कुछ इस प्रकार का होता है, मगर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म होता है उसमें आपको किसी कंपनी के साथ जुड़कर अपना काम करना होता है। वह कंपनी आपको सभी चीजें जैसे बच्चा, दाना, दवाइयां, डॉक्टर की सपोर्ट उपलब्ध कराती है। आपका काम केवल मुर्गी के बच्चों को देखभाल करना होता है, और यह 40 से 45 दिन हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं तब कंपनी इन्हें मार्केट में भेजती है, मतलब आपसे वापस ले लेगी और मार्केट में भेजती है। माल बेचने की, मुर्गी के बच्चे बेचने की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, उसमें आपको कहीं भी लॉस नहीं होता है। मगर दोस्तों आपका जो बेनिफिट होता है वो आपका प्रति केजी के हिसाब से होगा, यानी कि एक बच्चा कितने किलो का हुआ आपको उसके हिसाब से आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार का कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म का मॉडल होता है जिसमें कंपनी सब कुछ आपको प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करें। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के लिए आपके पास उपलब्ध भूमि होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक विश्वसनीय कंपनी का चुनाव करना होता है जिसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, जो काफी समय से सही तरीके से मार्केट में काम कर रही है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। कंपनी की जानकारी के लिए आप आसपास के अन्य किसानों से पूछताछ कर सकते हैं। कंपनी के चुनाव के बाद आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, और दस्तावेज प्रोसेसिंग के बाद आप उनके साथ काम कर पाएंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाली कंपनी से कैसे जुड़ सकते हैं। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं जैसे सुगुना फूड्स, इंडिया ब्रॉयलर, बिंकीज और आरएम ग्रुप। जो किसान इन कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं वह कंपनी की वेबसाइट या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका आधार कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और तीसरा है जमीन के कागज। जी जमीन पर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो जमीन के कागज होने चाहिए, या फिर आप किसी से लीज पे भी ले सकते हैं, उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। चौथा है पासपोर्ट साइज आपको फोटो होना चाहिए। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक की पासबुक की कॉपी। छठा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए का स्टाम्प। सातवा है एनओसी, प्रधान या पार्षद से आप अपनी एनओसी ले सकते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करते हैं तब कंपनी आपको सभी प्रकार की दवाइयां और फीड प्रोवाइड कराती है। फीड में आपको ध्यान देना है, जब कंपनी आपको फीड दे रही है तो उसमें 3 प्रकार के फीड होने चाहिए, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। छोटे बच्चों को प्री स्टार्टर दिया जाता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें स्टार्टर दिया जाता है, जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है यानी कि 1 किलो का हो जाता है, जब लास्ट स्टेज में चल रहा होता है, जब हमें मार्केट में सेल करना होता है उस समय उसको फिनिशर दिया जाता है, फिनिशर जो लास्ट वाला फीड होता है। मगर दोस्तों फीड में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है फीड का FCR, यानी कि फीड कन्वर्जन रेशियो। FCR का अर्थ होता है कि मुर्गी कितना दाना खाकर कितना वजन उसका बढ़ रहा है, जिससे मुर्गी के बच्चे की अच्छी पैदावार का पता चलता है। FCR निकालने का जो तरीका होता है उसको देख लेते हैं, हम इधर की साइड में देखेंगे। FCR का जो फॉर्मूला होता है, FCR बराबर कुल खपत दाना, मतलब मुर्गी के बच्चे ने कितना दाना खाया, उसके वटे में मतलब उसके भागा में मुर्गी के बच्चे का वजन, ये FCR का फॉर्मूला होता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, यदि 1000 मुर्गी का कुल वजन 2000 किलोग्राम है और उन्हें 50 किलो के 60 थैले, मतलब 60 थैले दाना हमने खिला दिया है, उसका जो FCR निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, कुल खपत दाना मतलब जितना उन्होंने दाना खाया और मुर्गी का जो टोटल वजन हुआ वो उसके बटे में, मतलब 2000 किलो जो वजन बढ़ा, तो उसका FCR निकलेगा वो 1.5 निकलेगा, जो कि बहुत अच्छा FCR माना जाता है। दोस्तों FCR जितना कम होगा, मतलब 2 से नीचे का FCR बहुत अच्छा माना जाता है, और 2 से भी नीचे मतलब 1.5 या 1.4 1.8 भी है तो चलता है, तो जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों आप देख लेते हैं इसमें कितनी लागत आएगी और इसमें कितनी कमाई होगी। लागत की बात करें तो दोस्तों आपको मुर्गी के पालन के लिए
एक शेड की आवश्यकता होगी और साथ ही में बिजली पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। शेड में दोस्तों आपका लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें आप 5,000 बच्चे पाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कमाई की बात देख लेते हैं। यदि आप 5,000 मुर्गी के बच्चे डालते हैं और उनका वजन मतलब प्रत्येक मुर्गी के बच्चे का वजन 2 किलो हो जाता है तो 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको बेनिफिट होता है जो कंपनी आपको देती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हम मोटा मोटा देख लेते हैं। तो आपको 5,000 बच्चों पर 40 से 45 दिन के अंदर आपको 1 लाख रुपए की दोस्तों कमाई होने वाली है। दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर आपने शुरू कर दिया है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो होता है कंपनी की रेपुटेशन। जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, क्या आपके आसपास के लोग उस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उसने किसी किसान के साथ फ्रॉड तो नहीं किया है, ये चीज आपको देखनी होगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आप मुर्गी के बच्चों को फीड खिला रहे हैं उसका FCR कैसा है। उसका FCR 1.5 के लगभग होना चाहिए जिससे कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका जो सेट है जिसमें आप मुर्गी के बच्चे पाल रहे हैं वो वेल मेंटेन होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से बना होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर गर्मी के मौसम में हवा आए जाए और सर्दी के मौसम में शेड के अंदर गर्म रह सके। दोस्तों अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों जब आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको अपने मुर्गी के बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन करना है, और जब आप पोल्ट्री फार्मिंग में बच्चे पाल रहे हैं उस समय पोल्ट्री फार्म के अंदर बाहर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कुत्ता जानवर अंदर ना जाए। जब कोई भी व्यक्ति या जानवर अचानक से बाहर से आकर अंदर जाता है तब उसके शरीर पर बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है जो आपके मुर्गी के बच्चों को इन्फेक्टेड कर सकता है, जिससे आपके मुर्गी के बच्चे बहुत सारे मर सकते हैं या कोई उनको बीमारी लग सकती है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने से पहले आप कम से कम 4, 5 या 6 महीने किसी पोल्ट्री फार्म या कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में जाकर ट्रेनिंग जरूर ले लें ताकि आप उसकी पूरी जानकारी सीख सकें। आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो आपको फ्यूचर में आपके मुर्गी के बच्चे पालने के में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि आप सामान्य पोल्ट्री फार्म करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म करें। दोस्तों सबसे पहले आप अपने लोकल में जो मंडी है मुर्गी के बच्चों की वहां पर रेट देखिए, अगर आपको उसमें बेनिफिट नहीं होता है तब आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है अगर कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में 5,000 बच्चों से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, वो भी 40 से 45 दिनों में। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्र की मंडी बहुत बढ़िया है तो आप सामान्य पोल्ट्री फार्म कीजिए, वरना आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिजनेस से रिलेटेड और इनकम बढ़ाने से रिलेटेड हमने इस चैनल पर डाली हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। मेरा नाम है सचिन कुमार, आप देख रहे हैं 2 देसी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।